हे एवरीवन, हम देखेंगे डॉ थ्योरी। डॉ थ्योरी हमेशा टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा रहा है। पश्चिमी दुनिया के कैटलिस्ट की खोज करने के पहले भी डॉ थ्योरी का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता था। वास्तव में ट्रेडर्स आज भी ट्रेड सेटअप करने के लिए कैटलिस्टिक और डॉ थ्योरी को मिश्रित करते हैं। डॉ थ्योरी को चार्ल्स एच डाओ द्वारा दुनिया को पेश किया गया था, जिन्होंने डाओ जोन्स फाइनेंशियल न्यूज सर्विसेज, वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी स्थापना की थी। उनके समय के दौरान उन्होंने 1900 के दशक के शुरू में लेखों की एक सीरीज लिखी, जो बाद के वर्षों में डॉ थ्योरी के रूप में जाना गया। विलियम्स पी हैमिल्टन को बहुत क्रेडिट जाता है, जिन्होंने 27 साल की अवधि में इन आर्टिकल्स को रिलेवेंट एग्जाम्पल के साथ संकलित किया। चार्ल्स डाओ के समय से अभी तक बहुत कुछ बदल गया है, और इसलिए डॉ थ्योरी के समर्थक और आलोचक भी हैं। कैंडिस्ट्री की तरह ही डॉ थ्री में कुछ महत्वपूर्ण पैटर्न्स हैं। ट्रेडर्स इन पैटर्न्स का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ पैटर्न्स जिसे हम देखेंगे, डबल बॉटम एंड डबल टॉप फॉर्मेशन, ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन, रेंज फॉर्मेशन एंड फ्लैग फॉर्मेशन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी डॉ थ्री के लिए एक कोर कॉन्सेप्ट है। इसके इंपॉर्टेंस टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने के संदर्भ में होता है। इसी कारण ही हमने इसके बारे में पहले ही एक चैप्टर में चर्चा की है। चलिए अब हम देखते हैं डॉ थ्री में पहला पैटर्न, डबल बटन एंड डबल टॉप फॉर्मेशन। एक डबल टॉप एंड डबल बॉटम को एक रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। एक डबल बटन तब बनता है जबकि शेयर की प्राइस एक पार्टिकल लो प्राइस के लेवल पर जाता है और तेजी से रिकवरी के साथ वापस आता है। प्राइस रिकवरी के बाद स्टॉक कम से कम 2 सप्ताह के लिए हाई लेवल पर ट्रेड होता है, टाइम में अच्छा खासा गैप होता है। उसके बाद अगर स्टॉक नीचे गिरता है उसी प्राइस तक जहां तक पहले गिरा था, एक बार फिर स्टॉक वहां होल्ड करता है और वहां से ऊपर आता है, तो एक डबल बॉटम बन गया। यह इंडिगो का चार्ट है, 800 रुपये के आसपास डबल बॉटम बन रहा है। एक डबल बॉटम बनना बुलिश माना जाता है और इसलिए किसी को यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा देखना चाहिए। वैसे ही एक डबल टॉप फॉर्मेशन में स्टॉक 2 बार सेम हाई प्राइस को हिट करता है लेकिन अंत में सेलिंग आ जाता है। ऑफ कोर्स इसमें भी कम से कम 2 वीक्स का टाइम गैप होना चाहिए हाई टच करने का। यहां बजाज फाइनेंस का चार्ट है, इसमें स्टॉक प्राइस ने डबल टॉप बनाया है। एक डबल टॉप का बनना बेरिशनेस को इंडिकेट करता है और इसलिए यहां पे किसी को सेल करने का अपॉर्चुनिटी जैसे देखना चाहिए। मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैंने दोनों डबल टॉप और डबल बॉटम्स को ट्रेडिंग के दौरान बहुत ही यूजफुल पाया है। मैं हमेशा ऐसे अपॉर्चुनिटी को तलाश करता हूं जहां डबल फॉर्मेशन एक पहचानने को कैंडलिस्ट फॉर्मेशन के साथ मेल खाता हो। उदाहरण के लिए एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां डबल टॉप फॉर्मेशन में सेकेंड टॉप पे शूटिंग स्टार जैसा एक बेरिश पैटर्न बन रहा हो। इसका मतलब है डॉ थ्योरी और कैंडलिस्ट पर्सपेक्टिव दोनों बेचने के लिए सर्वसम्मति बना रहे, इसलिए ट्रेड लेने के लिए दृढ़ विश्वास अधिक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रिपल टॉप एंड बॉटम फॉर्मेशन। जैसे कि आप अनुमान लगा सकते हैं, एक ट्रिपल फॉर्मेशन एक डबल फॉर्मेशन के समान ही है, सिवाय इसके कि प्राइस लेवल इसमें 3 बार टॉप और बॉटम को टच करता है। ट्रिपल फॉर्मेशन का व्याख्या डबल फॉर्मेशन के समान ही होता है। एज अ रूल ऑफ थंब, प्राइस टेस्ट जितनी अधिक बार होता है और एक सर्टेन प्राइस लेवल पर रिएक्ट करता है उतना ही प्रमुख प्राइस लेवल माना जाता है। इसलिए इसके आधार पर ट्रिपल फॉर्मेशन को डबल फॉर्मेशन की तुलना में अधिक शक्तिशाली माना जाता है। यह डालमिया भारत का चार्ट देखिए, स्टॉक प्राइस एक ट्रिपल टॉप बनाया है और तीसरा टॉप टेस्ट करने के बाद स्टॉक में बिकवाली आ जाता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो ट्रिपल टॉप बना है वो एग्जैक्टली सिंगल प्राइस पॉइंट पर नहीं बना है, बल्कि यह प्राइस जोन पर है जो किसी प्राइस पॉइंट के आसपास मंडरा रहा है। इस केस में यह 2710 और 2725 के बीच में है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगले वीडियो हम रेंज फॉर्मेशन एंड फ्लैग के बारे में जानेंगे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।